नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Mi 11X वर्सेस Xiaomi Mi Note 10 Lite का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Mi 11X में 6.44 इंच जबकि Note 10 Lite में 6.21 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Mi 11X से कम है। विड्थ की बात करें तो Mi 11X में 3.01 इंच जबकि Note 10 Lite में 2.92 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Mi 11X से कम है। बात करें थिकनेस की तो Mi 11X में 0.31 इंच जबकि Note 10 Lite में 0.38 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Mi 11X से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Mi 11X में 196 ग्राम जबकि Note 10 Lite में 208 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Mi 11X से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Mi 11X में 20:9 जबकि Note 10 Lite में 19:5:9 देखने को मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Mi 11X में 6.67 इंचेस जबकि Note 10 Lite में 6.47 इंचेस की साइज देखने को मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Mi 11X में 1080x2400 और Note 10 Lite में 1080x2340 देखने को मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Mi 11X में 85.88% जबकि Note 10 Lite में 87.57% देखने को मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Mi 11X में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Note 10 Lite में 398 पिक्सेल प्रति इंच देखने को मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Mi 11X में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Note 10 Lite की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Mi 11X में 14 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Note 10 Lite की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Mi 11X में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Note 10 Lite में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स देखने को मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Mi 11X में Adreno 650 जबकि Note 10 Lite में Adreno 618 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Mi 11X में Qualcomm Snapdragon 870 और Note 10 Lite में Qualcomm Snapdragon 730G मिलता है। बात करें RAM की तो Mi 11X में 8GB जबकि Note 10 Lite में 6GB मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Mi 11X में 128GB जबकि Note 10 Lite में 64GB देखने को मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Mi 11X में Android V11 जबकि Note 10 Lite में Android V10 Q देखने को मिलती है। बैटरी Mi 11X में 4520 mAh जबकि Note 10 Lite में 5260 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो मी 11X की 30,499 रुपीस जबकि नोट 10 लाइट की 28,490 रुपीस प्राइस देखने को मिलती है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में नोट 10 लाइट आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में मी 11X आगे है। इंटरनल मेमोरी में मी 11X आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें रेलम एक्स 7 प्रो है जो कि 26,999 रुपए में मिलता है। दूसरा वीवो इक्यू 7 है जो कि 31,990 रुपए में मिलता है। तीसरा शाओमी मी 10 8 GB रैम है जो कि 23,978 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें शाओमी मी 11X प्रो है जो कि 39,499 रुपए में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।